नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ोटो है। ये है आपकी 12.7 MB, यानी 13 MB के आसपास की ये फ़ोटो है, ठीक है। इसको हमें रिसाइज़ करना है, यानी इसका MB कम करना है। मान लीजिए आपके पास ये फ़ोटो है, इस फोटो को हमें 1 MB के आसपास या 500 KB के आसपास करना है। हम कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर? ना ही हम फोटोशॉप यूज़ करने वाले हैं, ना ही और कोई सॉफ्टवेयर, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे टूलर। देखिए, सबसे पहले एंटर कर देंगे। सबसे पहला वाला जो टैब आ रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, आपके सामने इस टाइप का एक विंडो ओपन होके आ गया। देखिए, यहाँ पर लिखा है टूलर, यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए, ऑनलाइन फोटो रिसाइज एंड इमेज, फीचर क्या क्या है इसके। देखिए, रिसाइज इमेज, इमेज रिसाइज, पासवर्ड जनरेटर, GIF मेकर। आप इस वाले साइट पे विजिट करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम फोटो को रिसाइज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका अपलोड इमेज। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जहाँ फोटो रख रखी है वहाँ पर जाना है आपको, एंड देन इसको अपलोड कर देना है। इस पर क्लिक करना है एंड ओपन कर लेना है, अपलोड कर लेना है। यदि आपके पास फोटो जो ज़्यादा MB है, तो थोड़ा सा अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंप्रेशन मेथड। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। नीचे ऑप्शन आता है आपका इमेज क्वालिटी, यहाँ पे हमें छेड़छाड़ जो भी करनी है यहाँ पे करनी है। देखिए, 70 है, 70 में ही हम कंप्रेस करके देख लेते कितने MB की बनती है हमारी। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका कंप्रेस इमेज। जैसे ही इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका। देखिए, ये कितने MB की फ़ोटो बनी, 12.8 MB की फ़ोटो 1.6 MB की बनी, 70% कम हो गया है, ठीक। इसको अभी आप व्यू करके देख सकते हैं और डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हम व्यू करके देख लेते हैं। इमेज बहुत बढ़िया, देखिए इमेज की क्वालिटी दिखा देते हैं आपको। 70% कम होने के बावजूद भी कहीं से भी ब्लर नहीं हो रही है, ठीक ठीक। इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहें, तो देखिए यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जहाँ फोटो रखनी है आपको, जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे जाएंगे, ठीक। ये हमारे, हम डाल देते हैं 1 नंबर, सेव कर लेते हैं, ठीक। इसके अंदर हम और चेंजेस करेंगे। हम 70 की जगह 40 करके देखते हैं। फिर कंप्रेस इमेज जैसे ही करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। पहले वाला तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक डुप्लीकेट बन जाएगा। 40% पे हमने इसको रिसाइज़ किया, यानी इमेज क्वालिटी को 40% कर दिया, तो हमारा देखिए ये बन गया आपका 995, यानी 1 MB के आसपास। ये नीचे वाले 1.5 MB की बनी, ऊपर वाली 1 MB के आसपास। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसका हम 2 नंबर डाल देते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका रिसाइज टू ऑप्शनल। देखिए, आप यदि ब्रिथ एंड हाइट अपने हिसाब से रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए, हम रख लेते हैं 1500 × 1000, ठीक। उसके बाद हम इसको कंप्रेस करके देखते हैं कैसी आती है इमेज। 338 KB की बनी है हमारी। व्यू करके देखते हैं, देखिए ये, इस इमेज में हमें ज़्यादा कोई इशू नहीं आ रहा है। हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा कम MB की बनी है। देखिए, 12 MB की फ़ोटो 38 KB की बन गई है, ठीक है। यदि आप यदि हाइट नहीं रखना चाहे तो मत रखिए, इसको 0 कर दीजिए। इसको हम कर देते हैं 2000, ठीक। और इसको हमें चेक करना है। कभी कभार क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 1000 और हाइट भी हम कर देते हैं 1000। जो हमारी इमेज है, इसकी हाइट और ब्रिथ सेम नहीं है। इस चक्कर यदि हम हाइट और ब्रिथ यदि सेम रखते हैं और कंप्रेस कर देते हैं, तो देखिए कैसा आता है ऑप्शन। इसको व्यू करेंगे, देखिए कैसी हो गई। हाइट हमने 1000 रखा है और ब्रिथ भी 1000 रखा है, फ़ोटो स्ट्रेच हो गई। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बताऊँगा। देखिए, आप हाइट मत रखिए या ब्रिथ मत रखिए, इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। और ये चेक इन होना चाहिए। चेक होने के बाद आप यदि इसको कंप्रेस करते हैं, देखिए हाइट और ब्रिथ दोनों सेम ले लेंगे ये। देखिए, ये हो गया, व्यू कर लेते हैं। देखिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में हमने हाइट एंड ब्रिथ 1000 1000 रखा था, इसलिए स्ट्रेच हो गया ये। इसमें कोई इशू नहीं आया है।
अपने आपको जितने भी रिसाइज करना है यहाँ पे सो तो रहेगा। सबसे पहला हमने इमेज ए वाली करी, उसके बाद ये करी, उसके बाद ये करी, उसके बाद ये किया हमने, उसके बाद लास्ट में हमने ये किया, 38 KB की बन गई हमारी इमेज। अब इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम इसको डाल देते 3 नंबर। अब इसको हम सो करके देख लेते हैं, ये फर्स्ट इमेज है हमारी, ये सेकेंड इमेज है और ये थर्ड इमेज है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ये हमारी थर्ड इमेज है। ठीक, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए एक ये है और ओरिजिनल इमेज में देखिए जो हमारी 38 KB की इमेज है उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी में इशू आया, मैं मान सकता हूँ उसमें, क्योंकि वह 38 KB की बनी है। इसके बाद की देखिए ये दोनों इमेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी है। दोस्तों आप इस वाले साइट पे विजिट करके हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो को लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी इमेजेस अलग अलग सेव होगी आपकी। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।